तो आई शॉट दिस वीडियो ऑन 25th February, मतलब काफ़ी पहले, और मैं वीडियो डालनी लिटरली भूल गया था, और ये वीडियो ज़रूरी भी है। कटा मेरा बहुत था बड़ा इस दिन। आपको अच्छी लगेगी वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू चैनल। मैं भाग इसलिए रहा हूँ, मतलब अभी तो चल रहा हूँ, पीछे भाग के आया क्योंकि 6 मिनट बाद ट्रेन है, और अगर ये मिस हुई तो 44 मिनट्स बाद है, तो आई हैव टू रीच द स्टेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और सारा इंक्लाइन ही देखो, ऐसे पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, मेरे एंकल में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। भाग भाग के बुरा हाल ही हो रहा है यार। I'm not sure if I'll be able to reach the station. अब करते हैं इंट्रो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू आर, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर तुषार परे। जब थोड़ा भगदड़ में था इसलिए ढंग से नहीं कर पाया, तो अभी सीन में ढंग से समझाता हूँ कि मैं घर पे बैठा हुआ था और मेरी ट्रेन थी 11 मिनट बाद। मतलब यहाँ पे कैसा होता है, हर 5 मिनट बाद आती है। एक ट्रेन थी 2 मिनट बाद, एक थी 3 मिनट बाद, और एक थी 11 मिनट बाद। और उसके बाद जो ट्रेन थी, दैट वाज आफ्टर 44 मिनट्स। तो मेरा तो वही लग जाता है अगर 44 मिनट्स में पहुंचता मैं। अच्छा है मैंने ट्रेन घर पे चेक कर लिया। आप लोग भी अगर कहीं जा रहे हो तो ऐप होती है ट्रिप व्यू लाइट, उसमें चेक कर लिया करो, सारा सीन सॉर्ट रहता है, भागना नहीं पड़ता। मतलब भाग तो लिए, अब क्या कर सकते हैं। तो ये ट्रेन लगी हुई है डू नॉट बोर्ड पे, इट माइट बी बिकॉज ऑफ सर्विस इशूज, मतलब यही लिखा है। नहीं कब पहुँचते आज कॉलेज, 1 बजे क्लास है मेरी, अभी बजे 11। नेक्स्ट आएगी वो लेनी है मैंने। तो ये है कुछ आगे के सीन, देखो 1-1 घंटे बाद आ रही है। क्या हो गया सिडनी के ट्रांसपोर्ट को, मेरी पहली क्लास है और ये सीन हो रहा है। मतलब किस्मत ही ऐसी है लड़के की, हम करें क्या ये बताओ। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, भाई मैं उसी स्टेशन पे हूँ, मेरा कट रहा है उधर ही खड़े खड़े। प्लेटफॉर्म चेंज, finally after like 2 hours I've almost reached the university, almost abhi pura bhi nahi hai, time lagega andar jaane mein, badi hai na. Abhi U11, I'm not sure where is U11. बजे से क्लास है 4 बजे तक, और 2 घंटे की हो गई है, और इतनी बोरिंग ना कसम से भाई। एक तो इतने सालों बाद क्लास में बैठे हैं, इट इज़ सो बोरिंग। और 10 मिनट का ब्रेक मिला, सुसू करना है बस मेरे को बहुत जल्दी, पता नहीं कहाँ है वॉशरूम। फिर जेंट्स को सुसू नहीं आती After a 3-hour class, I am here with the food. यहाँ माइक्रोवेव लगे हुए हैं, अगर अपना खाना गर्म करना है तो उसके लिए। तो भाई अभी पेट्रोल पंप आए हैं, गाड़ी पेट्रोल पंप आएंगे, ठीक है। रात हो गई, मैंने ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं आया ना, घर पे डिनर था इसलिए, और पीछे लोग सुट्टा पी रहे हैं। मतलब क्या भाई, पेट्रोल पंप पे सिगरेट उधर पी रहे हैं 3-4 लौंडे। मैं भरूँ, आता नहीं है मेरे को। उधर पी रहे हैं 3-4 लोग, मैं कैमरा तो करूँगा नहीं, पर बहुत वियर्ड लग रहा है यार, क्या है भाई। बट बात है कि वाई आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, और स्पेसिफिकली सिडनी ही क्यों, और स्पेसिफिकली मैक्वेरी यूनिवर्सिटी ही क्यों, क्यों भाई। बात कुछ ऐसी है कि आई हैड एन ऑप्शन फॉर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी, हाँ यूरोप, हाँ ठीक है, ये सब हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन जो था वो था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था कनाडा। कनाडा मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि कनाडा में मोस्टली ठंड रहती है और मैं ठंड में नहीं रह सकता, मेरे को पूरी सर्दी रहता है, जुकाम। और जुकाम क्यों रहता है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि माइनर सा मेरे को साइनस है, उसकी वजह से मेरे को रहता है जुकाम, और मेरी हालत ख़राब रहती है सर्दियों में, ठीक है, स्पेसिफिकली रात के टाइम। तो अब सीन ऐसे है कि जर्मनी वगैरह में जाता नहीं, क्योंकि जर्मनी में लैंग्वेज भी आई गेस अलग होती है, या मुझे पता नहीं सेम होती है, मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च करी नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया की ही रिसर्च करी थी, एंड देयर वर मेनी ऑप्शंस फॉर मी, मेलबर्न, एडले और सिडनी और न्यूकासल, और काफ़ी ज़्यादा जगह होती हैं, आप लोगों को भी पता है।
But why did I specifically choose Sydney and Macquarie University to study my Masters of Professional Accountancy with speciality in CPA studies? ये Macquarie ही क्यों लिया मैंने? अभी बताता हूँ. तो मैंने इसीलिए ली क्योंकि जो Macquarie है उसके अंदर ये कोर्स है 2 साल का और बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज में इट वाज फॉर 2.5 ईयर्स. और एक चीज़ और, अगर ये कोर्स 2.5 साल का भी नहीं है कई यूनिवर्सिटीज़ में, सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू गेट द CPA स्पेशलिटी आफ्टर दिस कोर्स. और ये मेरे को वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से भी ऑफर लेटर आया था, मोनाश से भी आया था, UNSW से आया था, UTS से आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से आया था, और ये सारी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था. एंड इन दी एंड आई चोज Macquarie यूनिवर्सिटी क्योंकि आई ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप. मेरे लिए क्या आएगा, सबको मिल रही थी या मेरे को ही मिली है, मेरे को ध्यान नहीं. ठीक है, मेरे को तो काफ़ी मिली है स्कॉलरशिप. और काफ़ी लोग मुझसे पूछे हैं कि भाई फीस कितनी है तुम्हारे कोर्स की. सो इट वॉज समवेयर अराउंड $77,000. उसमें से $20,000 की स्कॉलरशिप डिडक्ट हुई है एंड दैट केम आउट टू बी $57,000 something. ठीक है, आप इसको INR में कन्वर्ट कर सकते हो, मर्जी आपकी है. बाकी को मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. 200 कंपनीज आएंगे समवेयर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एंड देर आर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड देयर प्लेसमेंट इज ऑल्सो गुड. तो मुझे कंपैरेटिवली, ठीक है, कलेक्टिवली जो भी बोलो, सारी यूनिवर्सिटीज से बेटर लगी और फीस भी सही है, मतलब है ज़्यादा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. बाकी यहाँ के बच्चों को तो इतनी फीस नहीं देनी पड़ती जो PR होते हैं, जो सिटीजन होते हैं. तो हाँ, बाकी अगर आप बात करो मोनाश की, UTS की, UTS में भी आई वॉज गेटिंग अ स्कॉलरशिप, और भी यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैंने बोला जैसे कंपैरेटिवली दिस वॉज बेटर ऑप्शन फॉर मी. और जो वेज रेट है ऑस्ट्रेलिया में, बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू वर्क फॉर 20 आवर्स, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर कॉल, मर्जी आपकी है. तो वेज रेट भी अच्छा है. तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी अच्छी लगी लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, पीस, लव यू, लव फ्रॉम सिडनी, बाय.